एक दिन माइकल नाम का एक आदमी अपनी बनाई हुई टाइम मशीन लेकर एक लड़की के पास आता है। इस लड़की का नाम सेरा था। माइकल सेरा के पास आकर इससे बात करने की कोशिश करता है। सेरा इससे पूछती है, क्या तुम्हारी टाइम मशीन काम करती है? माइकल हैरान था कि इसे इसके टाइम मशीन के बारे में कैसे पता चला। तब वो इसे बताती है कि तुम्हारे मशीन पर लिखा हुआ है। तभी माइकल उस टाइम मशीन का बटन दबाकर टाइम में एक मिनट पीछे आ जाता है और इस बार उसने अपने मशीन के नाम को स्क्रेच कर दिया था ताकि सेरा उसे देख न पाए। माइकल सेरा से बात करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। इस सेरा को अपना गलत नाम बताता है। इसे लगता है कि शायद सेरा को यह नाम पसंद नहीं। तब ये फिर से टाइम में एक मिनट पीछे जाकर कोई अच्छा सा नाम इसको बताता है। इसी तरह करके बार बार ये सेरा को अपनी बातों से इम्प्रेस करता। जब भी कोई गड़बड़ी होती तब ये फिर से टाइम मशीन का इस्तेमाल करके उसे सुधार लेता। ऐसे ही करते करते वो 15 से 16 बार टाइम ट्रेवल करता है और आखिर में सेरा माइकल से इम्प्रेस हो जाती है। ये सेरा को कॉफी पिलाने ले जाने वाला था। तभी ये सेरा के पास एक साइंस की बुक देखता है। पूछने पर सेरा इसे बताती है कि ये टाइम ट्रेवल पर जानकारी इकट्ठा कर रही है। इसे टाइम ट्रेवल के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर माइकल सेरा को अपनी बनाई हुई टाइम मशीन दिखाता है। सेरा इसे पूछती है, क्या ये सच में काम करता है और क्या तुमने मुझे इम्प्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया? माइकल कहता है, हाँ मैंने किया, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? तब सेरा इसको बताती है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं। तुम जब भी टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे जाते हो तब तुम प्रेजेंट में मर जाते हो। माइकल कहता है, ये क्या बकवास है, मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। सेरा इसको समझाती है कि तुम जब भी टाइम ट्रेवल करते हो तब तुम हर बार एक अलग पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाते हो। इसका मतलब तुमने मुझे इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को ही बहुत सारे यूनिवर्स में मार डाला। ये सब जानकर माइकल बहुत टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है कि मरने के बाद उसके साथ वहाँ क्या हुआ होगा। माइकल को टेंशन में देखकर सेरा इसे दिलासा देती है कि तुम ये सब भूल जाओ। मगर अब माइकल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसने कोई पाप कर दिया हो। अब सेरा भी माइकल को पसंद करने लगी थी, लेकिन वो इस उदास माइकल के साथ नहीं रहना चाहती। इसलिए ये मौका देखकर माइकल के बनाए हुए टाइम मशीन का बटन दबाकर ये भी टाइम में एक मिनट पीछे आ जाती है और इस बार ये माइकल को वो सब बातें नहीं बताती जिसे समझने के बाद वो उदास हो गया था। इसके बाद ये दोनों हंसी खुशी कॉफी पीने चले जाते हैं और इसी के साथ ये छोटी सी कहानी खत्म हो जाती है।